हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी गिंजा चौधरी, वेलकम टू माय हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी गिंजा चौधरी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मी फाइन, आई होप सो यू ऑल फाइन। आज मैं जल्दी थी, मैंने लेंस पहना, लाइट सा मैंने मेकअप किया, ठीक है, और कोई बेस नहीं मैंने लगाई, कोई कुछ नहीं लगाया। मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अकेली हूँ, रहीम गई हूँ या यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अकेले बैठ के कुछ नाश्ता टाइप या कुछ भी, क्योंकि गैस भी नहीं आ रही, कुछ खुद बनाना नहीं पड़ेगा, और थोड़ा सा नाश्ता करते हैं अकेले, अकेले बैठ के नाश्ता करते हैं। मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस पहले भी की हुई हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा की हुई हैं, कि जब मुझे बहुत ज़्यादा लिटरली भूख लगती थी ना, तो मैं अकेला बैठ के ना नाश्ता करती, खाना खाती थी, ठीक है। यूनिवर्सिटी में भी अक्सर इस तरह हुआ है, ठीक है, और बड़ा मज़ा आता है यार, आप लोग बड़ा रिलैक्स फील करते हो, जितनी देर मर्जी बैठ के इजी हो के, चाहे फ्राइज़ की एक एक बाइट में एक एक करके उसको लो, जिस तरह यार बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर ये सीढ़ी आप देख लूँगी, मैंने जो कपड़े हैं वो मैं अचानक आई थी हॉस्टल, इसलिए मैंने रहीम लोगों के निकाल निकूल के कर कर आके पहने। अब हम चलते हैं नाश्ते के लिए। कुछ लाइट सा कुछ हैवी सा मिक्सअप करके मंगवाती हूँ जी। तो जी यहाँ पे मेरा ऑर्डर आ चुका है, इतना मैं खा लूँगी, देख के मुझे लग रहा है कि मैं सारा खा जाऊँगी, लेकिन देखती हूँ खाया जाता है या नहीं। लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी यार, मतलब कि 12 बज रहे थे, गैस भी नहीं थी, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। मैं ये करने का बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे नाश्ता मैं करके वापस आ चुकी हूँ, और जी रहीम भी वापस यूनिवर्सिटी आ चुकी है और वो सो रही है इस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने कुछ खाना पीना इकट्ठे नहीं, मतलब इकट्ठे तो हर कोई खा पी सकते, जाहिर है, होते जब आप अकेले बैठते हो ना, मैंने एक्सपीरियंस पहले भी किया हुआ है, ठीक है, बहुत दफ़ा ना, जब आप लोग अकेले बैठ के कुछ इन्जॉय करते हो, ये होते हैं, इसमें बड़ा ये कॉन्फिडेंस होता है इसमें यार, क्या अकेले आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, कोई लोग आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि यार इसके सर्कल में कोई भी नहीं है तो इसके साथ आके बैठ के खाना पीना कर सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर एक के सर्कल में होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन कुछ आप लोगों को सेपरेट और ये वो, जब कोई आप लोगों को नाम मिले ना आपके टाइप का, तो आप लोगों को जाके एंजॉय करना चाहिए यार, छोटी सी जिंदगी है, इसको जीना चाहिए। वो कौन सा गाना आजकल चल रहा है रीम, कौन सा था, नहीं सो नहीं रही, मेरी जुबान पे आ रहा है लेकिन वो आ नहीं रहा था, छोटी जी जिंदगी नू, पता नहीं क्या फिक्रां दी, बेफिक्रां दी तल, पता नहीं क्या है यार, हाँ खोल के जीवांगे, हाँ वो वाला गाना यार, मतलब वो आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए, छोटी सी जिंदगी है। तो खैर मैं यहाँ पर यार, इसमें मुझे लग रहा है मेरा फेस थोड़ा बड़ा बड़ा सा आता है। खैर जल्दी जल्दी सर्दी का मौसम है, मैंने वैसे जितनी जब तक सर्दी गुजर चुकी है ना, मेरी ये कोई फर्स्ट लुक ऐसी है जिसमें मैंने अभी कोई सर्दी वाला टच दिया है, ठीक है। इसके नीचे मैंने एक तो मैंने ये ऊपर श्रग्स है जो ये यूज़ किया है, ठीक है। फिर मैंने जो नीचे है ना वो मैंने ये वाली शर्ट जो है वो यूज़ की है, ठीक है, फुल स्लीव वाली, और बहुत मतलब ना सर्दी थी नहीं, तुम्हें पता है इधर पाकिस्तान ज़्यादा सर्दी है, फैसलाबाद इतनी सर्दी नहीं है यार, है रहीम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी जब मैं थी, अब बहुत ज़्यादा इधर है। अब जल्दी जल्दी मैंने वापस जाना है हॉस्टल से, ठीक है, रहीम अकेली होगी और मैं अब वापस जाऊंगी, ठीक है, मैं कॉल शॉल कर लूँ, एक दफ़ा पूछ लूँ कब आना है जाना है, ठीक है, फिर मैं वापस आती हूँ, और वही हमारा अकेली में और एक रूम, और मैं अपनी वीडियोस एडिट करूँगी, ठीक है। अलावा ये वाली जो मेरी रिंग है ना, ये वाली रिंग मुझे बहुत अच्छी है, क्या आई से बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। इसके साथ मेरा एक वो पेंडेंट भी है और चेन भी है, वो मैंने अपने ही वैसे पहना हुआ, ठीक है, और ये मेरी नो मेकअप लुक है, देख रहे हैं, मैंने कुछ भी इसमें नहीं किया हुआ,
बिल्कुल भी सच। मैंने इसका ना कवर शवर ये सब चीज़ें लगवानी है, जिस दिन मैं फ्री होती हूँ ना ज़्यादा वाली, उस दिन मैं ये सब कुछ करती हूँ। मैं अभी पहले थोड़ी सी चीज़ें वगैरह समेट लूँ। रीमा ने यहाँ पे एक टाइट्स निकाली थी कि चलो मैं ले जाऊँगी, तुमने वो पहननी है? वाह तुम बहुत अच्छी बच्ची है रीम, तुमने ये कॉफ़ी भी नहीं पी है, इसको थोड़ा सा पी के तो देखती है, अभी भी बहुत अच्छी है। मैं जल्दी जल्दी अब कॉल करती हूँ और पूछती हूँ कि कब तक लेने आना है। पहले मैं अपनी थोड़ी सी पैकिंग शेकिंग कर लूँ, मैं अपना वाइट सूट जो है वो पैक कर लूँ, थोड़ा बहुत इस तरह कर लूँ। रहीम मैं तुम्हारा आज ये पहन के इसी तरह ही चले जाऊँगी श्रगना, फिर तुम्हें दे दूँगी। तो जी यहाँ पे मैं वापस आ चुकी हूँ। जो मैंने अपना सारा सामान जो उस दिन मैं अचानक गई थी ना, ये सामान था जो मैंने अपना सारा उठाना था, ये देखने का। वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है? अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।